हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और अपने अपने घरों में ही होंगे। और तो गाइस, अभी सुबह के 8:30 बज रखे हैं और यहाँ पे मेरी बेटी हमारे लिए नाश्ता बना रही है। देखिए, ये चीज़ भी कट करके रखा है, आप जो सामने देख रहे हैं। तो ये चीज़ है, कस के रखा है प्याज टमाटर। तो ये मेरी बेटी हमारे लिए बना रही है। मेरी छोटी वाली बेटी कह रही है आज मैं बनाऊँगी तुम लोगों के लिए। तो चलिए, मैंने तो लगा रखी है वॉशिंग मशीन में, कपड़े धो रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद जो है, बहुत दिन तो क्या, तीन चार दिन हो गए हैं मुझे ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। और कुछ ऐसी था कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, मन भी नहीं कर रहा था बनाने को। तो मैंने कहा चलो आज अपना जो है सुबह का शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ नाश्ता। और ये तो आज बस नाश्ते में हमारा बस यही बन रहा है, और ये चीज़ ब्रेड ये खा लेंगे। और मैंने भिगो रखे हैं आज छोले, तो सुबह उठ के ही भिगो दिए हैं। तो दिन में मैं आज छोले और आलू पूड़ी बनाऊंगी बच्चों के लिए। आलू ना मिक्स करके आटे के साथ ही, और बहुत ही टेस्टी होते हैं वो, पूड़ी बनाऊंगी आज मैं और छोले बनाऊंगी। तो गैस आप लोग बताना कैसे हो आप लोग, और सब ठीक ही होंगे? तो अपने घरों में ही रहिएगा। और जो है कि लॉकडाउन जो है कि अभी आगे बढ़ गया है, तो परेशान ना होइए, अपने घरों में रहिए, बच्चों के साथ रहिए। और घर में रहोगे तो सेफ रहोगे। और बाहर जाना क्या, जब आपको कुछ लाना है तो तभी जाके बाहर जाइएगा। और तो देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी ने बना दिए हैं ब्रेड हमारे लिए, चीज़ ब्रेड। तो चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं। और तो गाइस, नाश्ता पानी हमारा जो है हो गया है, बाकी का मैंने आगे रिकॉर्ड नहीं करा। तो यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ बेडशीट, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बाकी घर के आज मैंने 3 बेडशीट जो है निकाले हैं, मशीन भी लगाई है तो वो मैंने शेयर नहीं कराया। तो मैंने आज ये तीनों ही बेडशीट धो दिए हैं। और ये है हमारा अंदर का कमरा, तो यहाँ इसको मैं लगा रही थी। और यहाँ का भी मैंने बेडशीट, आज तीनों बेडशीट मैंने धोने रखी हैं। तो उसके बाद फिर नहा धो के फिर मैं किचन में जाऊँगी। और सुबह तो ब्रेड ही आज हमने खाए हैं, तो दिन में बनाऊंगी आज मैं छोले, और जो भटूरे के साथ बनते हैं तो वो वाले छोले मैं बनाऊंगी। तो वैसे तो मैंने सोचा था भटूरे बनाने का, लेकिन भटूरे नहीं बना रही हूँ अभी। और आलू पूड़ी खाने का मन है बच्चों का छोलों के साथ, तो मैंने कहा चलो आलू मैंने जो है बॉयल करके रख दिए हैं, और फिर आटे के साथ मिक्स करके वो आज हम दिन में बनाएंगे। तो गए, सारा काम हो चुका है सुबह का, और झाड़ू पोछा डस्टिंग वो भी कर लिया है। और बाकी आज मशीन लगाई थी तो कपड़े वपड़े धोए थे। और आजकल यही है, घर के अंदर ही रहते हैं तो काम तो अपना होता ही है। खैर, रोज़ का जो है झाड़ू पोछा और दिन भर बच्चों के साथ खाना वाना बनाना, ये घर का काम तो खैर हम लोग के लिए हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं वही सब कर रही हूँ। और आजकल टाइम भी नहीं लग रहा है, ना तबीयत ठीक भी नहीं है कुछ खास, और टाइम भी नहीं लगता क्योंकि सब आजकल हम घर में ही हैं, तो बच्चों के साथ ऐसे ही टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने फेस पैक बना रखा था, तो मैंने एक खीरा का टुकड़ा लेके थोड़ा स्क्रब कर रही हूँ मैं। मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी घर पे ही, और फेस पैक और स्क्रब वगैरह बनाने का जो है घर पर ही। तो यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, और नहा के फिर उसके बाद मिलूँगी आपको। फिर छोले जो है मैंने बनाने हैं दिन का। तो गाइस, यहाँ पे 1:05 हो चुके थे जब मैं किचन में आई थी, और नहा धो लिया है, घर का जो सुबह का काम होता है सब हो चुका है। तो अब मैं बना रही हूँ छोले, और छोले मैंने भिगो के रखे थे सुबह ही, और कम से कम इनको हो गए हैं 3-4 घंटे। और ये देखिए, यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है मैंने साफ़, और यहाँ ये कपड़े में मैंने लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी चाय पत्ती। तो चाय पत्ती गाइस ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा अगर काले आपको करने हैं छोले तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा जो है मुझे पसंद नहीं है क्योंकि टश-टशे हो जाते हैं ना उनमें, चाय पत्ती का स्वाद आता है फिर थोड़ा अजीब से लगते हैं, फिर थोड़ा टश-टशे से हो जाते हैं। तो चाय पत्ती इसलिए मैंने कम रखी है। और अगर आपको ज़्यादा काला करना है
तब तो आप रख सकते हैं। तो पोटली बांध के मैंने रख दी है और पहले भी मैंने इनको 3-4 घंटा भिगो के रखा था और अब इसमें मैंने साफ पानी ऐड कर दिया एकदम छाल छूल के अच्छे से। और अब हम इन्हें लगा देंगे सीटी। तो ये पानी फिर हमें बाद में यूज भी करना है और जो छोले बनाऊंगी उसमें यही पानी जो बचेगा इसी को यूज करूंगी, तो इसलिए साफ पानी रखा है। तो सब ऐसे ही बनाते होंगे, खैर तो मैंने कहा चलो मैं बना रही हूँ तो शेयर भी कर देती हूँ। तो गैस ये देखिए, तो सीटी लगा ली मैंने, छोले जो है मेरे उबल चुके हैं और अब ये जो पोटली बांध के रखी थी इसे मैं फेंक दूंगी और ये चाय पत्ती हमें नहीं रखने हैं उसमें, चाय पत्ती जो है उसको पूरा आपको फेंक देने हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तेल रख लिया है, अगर आपको ज़्यादा तेल रखना है एकदम बाजार जैसे ऑयली बनाने हैं छोले तो ज़्यादा रखे, नहीं तो फिर थोड़ा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने फिर से दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता, जीरा ये रख दिया है, ये मैं इसमें डालूंगी। देखे तेल गर्म हो चुका है, तो जीरा और तेज़पत्ता, दालचीनी ये मैंने ऐड करा है और अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, 2 दाने काटे हैं मैंने बड़े बड़े से, तो ये अच्छे से मैं भून लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने गैस मसाले रखे हैं, ये है छोले मसाला जो आता है पैकेट में और धनिया पाउडर और नमक और हल्दी और लाल मिर्च। तो मेरा प्याज जो है ब्राउन सा हो चुका है तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं सारे सूखे मसाले। तो थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो 2 दाने मैंने बड़े बड़े से टमाटर ऐड कर दिए हैं, बस इसको भी हम थोड़ा पलट पलट करके और टमाटर जो है थोड़ा पकने देंगे, जैसे ही टमाटर गल जाएंगे तो इसमें फिर हम बाकी का सामान जो है छोले वगैरह रखेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें मैं अब ऐड करूँगी अदरक और ये लहसुन। ये अदरक और लहसुन मैंने इमाम दस्ता जो होता है ना उसमें पीस रखे हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो अब मैंने ये भी ऐड कर दिया है और अब इनको हम घुलने देंगे। तो गाइस मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ ब्लैक वाले छोले, और आप लोग कैसे बनाते हो क्या करते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए मेरा मसाला जो है पक चुका है अच्छे से, अब इसमें हम छोले ऐड करेंगे। तो गाइस ये मैंने छोले वैसे तो भिगोए थे भटूरे बनाने के लिए, लेकिन फिर बच्चों ने बोला कि हमें भटूरे नहीं खाने हैं, आलू के जो है पूड़ी बना दो, आलू जैसे ना उबाल के और आटे के साथ ही मिक्स कर दो, अंदर से नहीं डालना है, जैसे आटे के साथ ही आप घोल लो तो फिर उसकी पूड़ी बना तो बहुत ही टेस्टी होती हैं और उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के एकदम पीली पीली सी पूड़ियाँ बहुत टेस्टी होती हैं। तो अब मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए हैं देखे। और अगर आपको छोले ना बहुत ज़्यादा काले करने हैं तो आप चाय पत्ती जो है ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, और लेकिन चाय पत्ती अगर ज़्यादा ऐड करोगे रंग तो काला दिखेगा लेकिन थोड़ा वो टस्टे से टाइप के होते हैं चाय पत्ती का जो है उसमें थोड़ा खुशबू सी आ जाती है चाय पत्ती का, कि ऐसा पता चल जाएगा कि चाय पत्ती आपने इसमें ऐड करे हैं करके, तो इसलिए मैंने चाय पत्ती ज़्यादा ऐड नहीं करे हैं। और ये रहा पानी देखे कुकर में, तो ये अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से थोड़ी देर इनको हम और पका लेंगे 4-5 मिनट ढक्कन लगा के थोड़ा हल्के आँच में। बस छोले जो है एकदम रेडी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी पूड़ी और फिर गर्मा गर्म बच्चों के लिए आज पूड़ी जो है परोसूंगी। दिन का आज हमारा यही है लंच। तो गाइस देखिए मैंने गैस जो है बंद कर दी है और अब छोले जो है मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इनको मैं साइड रख दूंगी और थोड़ा ये ठंडे भी हो जाएंगे, अभी बहुत गर्म है। उसके बाद में आटा मैंने लगा दिया है पूड़ी बना के और बच्चों को दूंगी। तो गाइस आप लोग मेरा ब्लॉग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कि आपको क्या क्या चाहिए, किस टाइप के मुझे ब्लॉग बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा लगा दिया था और इसमें मैंने आलू भी ऐड करे हैं
और नमक मिर्च और थोड़ा सा हल्दी। हल्दी इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि जो है पीले पीले से दिखते हैं फिर पूड़ियाँ, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो गाइस आज मैं जो है छोटा सा ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि आजकल ना मेरा नेट जो है थोड़ा हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, अभी दूसरा लगा भी नहीं सकते हैं लेकिन क्योंकि आजकल कोई बाहर से आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो अभी इसे चेंज करने का मैं सोच रही हूँ, तो दूसरा वाला हम लगाएंगे। तो अभी जो है कि ये बहुत दिक्कत कर रहा है काफ़ी, मैं अगर बड़ी वीडियो डाल रही हूँ तो वो जाने में 7-8 घंटे लगा देते हैं, तो इसलिए बस छोटा सा जो है ब्लॉग डाल रही हूँ ताकि कम से कम टाइम में ये चला जाए करके, क्योंकि छोटी से छोटी वीडियो भी डालती हूँ तो 3 या 4 घंटे तो लग ही जाते हैं इसको पब्लिश होने में, पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, नेट काफ़ी स्लो सा चल रहा है, तो इसलिए मैं आजकल छोटे छोटे से ब्लॉग बना के ही डाल रही हूँ। और तो देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं, ये रहे गाइस देखिए पूड़ी बन चुकी है और कितने बढ़िया से बने हैं एकदम, और काफ़ी फुले फुले से। और तो बच्चों के लिए लगा दिया है लंच, आप लोग भी लंच कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।